कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है एरन। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं। असल में ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गयी थी। तब एरन उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तब ये कहकर फौरन एरन उन लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर एरन उनकी हेल्प करते हुए उन्हें सही रास्ता बताता है और फिर वो इन्हें गाइड करते हुए इन्हीं के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। और जब ये काफी आगे निकल जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। और अब ये तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ते काफी नैरो यानी तंग होते हैं। और जब ये तीनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो एरन वहाँ से कूद जाता है। तब ये देख कर वो दोनों लड़कियाँ डर जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद एरन गिर गया है। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। असल में वहाँ पर बहुत सारा पानी था, वो जगह एक पूल थी। अब एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियाँ एक एक करके पानी में कूद जाती हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। वो वहाँ पर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर अलग अलग होने से पहले सेल्फी बनाते हैं। एरन उनसे पूछता है, क्या हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे? तब उनमें से एक लड़की कहती है कि कल हमारी रात एक पार्टी है जिसमें कि तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। एरन अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी खुश होता है, वो इस हाइकिंग को काफी इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक होते हैं और जब एरन दो तंग पहाड़ियों से नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और जब एरन उस पत्थर का सहारा ले रहा होता है तो तभी वो पत्थर खिसक जाता है जिसकी वजह से अब बेचारा एरन नीचे गिरने लगता है और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो भी उसके साथ साथ आकर उसके हाथ पर गिर जाता है, उसके राइट हैंड पर। और अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। अब हालांकि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी लेकिन उसका हाथ वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब ही रहता है। और जब एरन को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो इसीलिए वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाने लगता है। लेकिन अनलकीली उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन्स हैं और यहाँ से आवाज को बाहर पहुँचाना जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान जानवर यहाँ तक कि बर्ड्स का भी नामो निशान नहीं है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो उन सबको बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना होगा क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने बैग में से बाहर निकाला होता है उसमें एक नाइफ भी होता है, तो वो उस नाइफ की मदद से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये चट्टान तो काफी हार्ड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी कि उसे जरा भी कुछ नहीं होता और साथ साथ ये भी कि उसका राइट हैंड वहाँ पर फंसा हुआ था इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो नाइफ उससे काफी दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर वो उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटने लगता है लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। अब क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसकी नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसीलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही करते करते अगली सुबह भी हो जाती है और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे लेकिन स्टिल उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो अपने कैमरा को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर आने का किसी को भी नहीं बताया था। साथ साथ मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। अब जब वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इसी वजह से एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसका चीखने का चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ
वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाती है, जहाँ पर एरन को भूख लगने लगती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान बचा हुआ था वो उसे खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, जहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाइन भी होगी। और अब एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से बातें भी करता है। और उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ उसके पास उसकी मदर की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता, उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और अगर एरन ने उन्हें बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है, वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उस सिरे को अपने पाँव में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और अब उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब क्योंकि वो यहाँ पर फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर रहा था यहाँ पर, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान से उड़ रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता, और कभी कभी वहाँ पर कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स भी आते रहते हैं, और अगर वो उन इंसेक्ट्स को मारकर उन्हें खाना चाहता है तो उसे उनके आने का इंतजार करना होगा। और तो और इस माउंटेन पास में एरन को एक दिन में सिर्फ 15 मिनट धूप मिलती है, क्योंकि उसके बाद धूप तो वहाँ से चली जाती है। अब 3 दिन से एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और ऐसे माहौल से काफी परेशान हो गया था, और इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। तब ये सोचकर वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को यानी कि बाजू को अच्छे से बांध लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है वो उसे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बाजू की पतली सी स्किन भी उस नाइफ से नहीं कट रही थी। तब इस बात से एरन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और इसीलिए वो कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, क्योंकि ये तो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है, और जब रात होती है तो एरन को अपने पुराने दिन काफी याद आ रहे होते हैं, उसे अपनी फैमिली, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं। और जब वो लोगों को याद कर रहा होता है तो ऊपर आसमान में बादल आ जाते हैं, और देखते ही देखते बहुत जोरों से बारिश होने लगती है, क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो गया था, इसीलिए वो अपनी बोतल में पानी भरने लगता है, और उन तंग माउंटेन्स में भी पानी आने लगता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तब एरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है, लेकिन ये सब कुछ एक ड्रीम था उसका, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी वो उन्हीं माउंटेन पास में फंसा हुआ था, और वो एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए थे, इसीलिए उसे अजीब तरह के ड्रीम्स और हेलोसिनेशंस होने लगती हैं। एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो गए थे, और ये होता है उसका 5वां दिन। इसीलिए उसका बिहेवियर, उसका मेंटल बैलेंस काफी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है, और ये भी बताता है कि अगर उस दिन मैंने अपनी मदर की कॉल रिसीव की होती, उन्हें मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ ना होता, और जिस शॉप से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था वहाँ के शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, और अगर उसे पता होता इसके यहाँ आने का तो शायद वो एरन की मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई तो उसे यहाँ पर ढूंढने आ ही जाता। यहाँ पर एरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में एरन ये सब कुछ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो भूखा भी है, प्यासा भी है, उसकी बॉडी में जान नहीं है, और ये इतना बड़ा पत्थर जो है जिसे वो मूव भी नहीं कर सकता, उसने एरन को जैसे यहाँ पर कैद ही करके रख दिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो नाइफ जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो नाइफ की फ्रंट साइड से अपने हाथ पर स्टैब करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को इतने अंदर तक गाड़ता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है, लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता मजीद। और अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है।
और जब छठा दिन आता है तो एरन की हालत काफी खराब होती है। वो काफी कमजोर पड़ गया था और अगर वो अब यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। तब यहाँ पर एरन ये भी सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी से मेरा ही इंतजार कर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये माउंटेन पास मेरा ही इंतजार कर रहा था और शायद मेरी डेस्टिनेशन यही है। और वो वहाँ चट्टान पर रिप रेस्ट इन पीस लिख देता है, साथ साथ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और अपना नाम भी, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ साथ उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, वो काफी निढाल भी हो गया था। फिर नेक्स्ट डे यानी छठे दिन जब उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं। तब उस विजन में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है और अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होती है और इसीलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड पर पुश करना शुरू करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है उस पर भी उसने धार लगा ली होती है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है और अब इस तरह करके वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। और आज छठे दिन वो अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके इस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। अब वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर भी बनाता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरन बड़ी मुश्किल से इन माउंटेन पास से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। तब एरन वहाँ पर जाकर वहाँ से बहुत सारा पानी पीने लगता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना उसने कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था, इसीलिए आज वो जी भर के पानी पीता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो बर्ड भी दिखाई देता है जिसे वो हर रोज माउंटेन पास ही देखा करता था। और आज वो खुद को भी उस बर्ड की तरह आजाद समझ रहा था, लेकिन अभी भी उस एरिया से निकलना कोई आसान नहीं था क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और बंजर थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता और इतना ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर एरन को वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन बिल्कुल ठीक हो गया था और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो भी सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जो सेम टू सेम उसी बच्चे जैसा होता है जिसे एरन ने अपने विजन में देखा था। अब इन 6 दिनों में एरन ने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और वो जहाँ भी जाता है ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ पर जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ, वो ये कि ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी ये सच है कि एरन 6 दिनों तक उन माउंटेन पास में फंसा रहा। वहाँ उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम गुजारा और उसने उन चट्टानों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे यकीन जो हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा था उसका वेट 360 kg था, खाने पीने का सामान भी बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छी बात उसने हिम्मत नहीं हारी और यही वजह थी कि फिर भी उसने 5 दिन तक सर्वाइव कर लिया। और 6ठे दिन जब उसको लगा कि वो नहीं बचेगा तब किसी पावर ने उसका साथ दिया जिसमें उसे अपने फ्यूचर सन के विजन आए जिससे उसे पावर मिली और वो वहाँ से निकलने में फाइनली कामयाब हो गया। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा होता है कि अगर वो पहले अपना हाथ काट देता तो उसका बहुत सारा खून बह जाता और वो यहाँ से बचकर बाहर ना निकलता, और जब उसने अपना हाथ काटा उस टाइम भी अगर वो अपना हाथ ना काटता तब भी वो वहाँ पर मर जाता। जब उसने अपना हाथ काटा तो उसकी बॉडी वीक थी इसीलिए उसका खून ज्यादा नहीं बहा और इसी वजह से हाथ कटने के बावजूद भी वो 4 घंटों तक वहीं पर ही घूमता फिरता रहा। अब इस तरह से एरन ने कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे को दिखाया और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।